एक बार पेपर लीक होने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा फिर से होने जा रही है, जिसको लेकर अभी से पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी से मुस्तैद हो गया है ताकि किसी तरह का कोई पेपर लीक न हो। इसी कड़ी में गाजीपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, अभी से इसकी तैयारी भी की जा रही है। बता दें कि गाजीपुर में इस बार लगभग 50,000 अभ्यर्थी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में भाग लेंगे। वहीं आज परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को देखने के लिए गाजीपुर SP डॉक्टर इरज राजा ने पुलिस अधिकारियों के साथ जायजा लिया। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 50,000 अभ्यर्थी इस बार जिले में पुलिस भर्ती की परीक्षा देंगे। वहीं कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर 5 दिनों में 2-2 पालियों में कुल 10 पालियों में नकल विहीन परीक्षा होनी है। इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 5 दिनों में ये रहेगी और टोटल 10 पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी। डेली 2 पालियों में परीक्षा होगी। लगभग 5,000 परीक्षार्थी जनपद गाजीपुर में इस परीक्षा में अपियर होंगे, तो पूरी तैयारी है इसकी और उसी के क्रम में विभिन्न केंद्रों को विजिट किया जा रहा है। जो हमारी फाइनल हमारे जो भी टच हैं वो दिए जा रहे हैं। SP सिटी साहब इसके नोडल हैं, उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया देखी जा रही है और बहुत अच्छी तरीके से इसको सभी चीज़ें संपादित की जा रही हैं। सभी स्कूल मैनेजमेंट और उनसे भी वार्ता की गई है और जो विभिन्न एजेंसीज इसमें शामिल हैं उनसे भी वार्ता करके जो सारी चीज़ें हैं उनको पूर्ण कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्र सर कितने बनाए जा रहे हैं सर? टोटल 12 परीक्षा केंद्र हमारे जनपद में और सभी परीक्षा केंद्र हमारे मुख्यालय के समीप ही हैं और बहुत अधिक समय किसी को भी मुश्किल से 15-20 मिनट किसी भी केंद्र पर मुख्यालय से जहाँ पर पेपर रखे जाएंगे ट्रेजरी से पहुँचने में लगेगा। पारदर्शी, नकल विहीन, सुचितापूर्ण। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार के सभी सेंटर जिला मुख्यालय के नजदीक हैं और अभ्यर्थियों को पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नकल विहीन परीक्षा के लिए हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित हैं और SP सिटी के साथ सभी CO और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है। स्टेशन, बस स्टैंड समेत हर चौराहों पर पुलिस भारी मात्रा में तैनात रहेगी। इस तरह की तैयारियां? बिल्कुल पूरी तैयारी है। प्रत्येक केंद्र पर और पूरे क्षेत्र में हमारी ड्यूटीज लगाई गई हैं और जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पर लगातार उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है और जो भी ऐसे लोग मिलेंगे उन पर कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पूरी परीक्षा इसको संपादित करेंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कितने स्टाफ लगे रहेंगे सर, किस तरह के? हमारा सभी हमारे CO's रहेंगे और सभी हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर भी पर्याप्त पुलिस बल भारी संख्या में इसमें लगाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा QRTs भी बनाई गई हैं जो कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर खासतौर पर हमारे बॉर्डर के स्थानों पर भ्रमणशील रहेंगी और सभी स्पेशल ड्यूटीज हमारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, टैक्सी, ऑटो स्टैंड्स पर भी लगाई जा रही हैं ताकि वहाँ से जो मूवमेंट है, जो परीक्षार्थी आएंगे उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स भी विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं जहाँ पर पुलिस बल की वहाँ पर मौजूदगी है। CCTV कैमरे की निगरानी में होगा? CCTV कैमरे सभी। बता दें कि फरवरी में सबसे पहले ये परीक्षा हुई थी, उस वक्त पेपर लीक होने की वजह से सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने दोबारा पेपर कराने का फैसला किया है, वो भी भारी सुरक्षा के बीच। अब बस छात्रों को इंतजार है अपनी परीक्षा का ताकि उनका भविष्य बन सके। पंजाब केसरी TV के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।